Tom underscore. This. कुछ शेयर मिलो स्पीड कंट्रोल जी करो, ध्यान रखना बार बार आपको ग्रुप करना, जब भी आपको मूवमेंट करेंगे तो ग्रुप करना जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। ये क्या हो गया, और एक हम डालते हैं क्या, ठीक है, जहां से ये रोटेट करेगा, इसको रोटेट भी करवाना है, यहां से अंदर होगा, कोशिश करना कंस्टेंट करके करना बोन के साथ, जल्दी होगा आपका और बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे होगा। मैं तो देख ले रहा हूँ कि क्राफ्ट मुझे करना है, अगर आपको नहीं पता पड़ेगा तो उस केस में क्या करना है, जो वो ग्रुप होगा ना उस ग्रुप को इस पोन के साथ पेरेंट कंस्टेंट कर देना, जब वो पेरेंट कंस्टेंट हो जाएगा तब उस कंस्टेंट को डिलीट मार। बस फॉर पोजिशनिंग के लिए बोलो, कुछ समझ नहीं आया, क्लास वास रखते हैं, लेट आया था मीटिंग। अच्छा ठीक है, आप देखो यहाँ थोड़ा सा अजीब सा हो गया कि मुझे कंफ्यूजन हो गया कि ये है इसका कंट्रोलर, ये है, तो मैं क्या करूँगा इसके कंट्रोलर को थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना, मुझे पता रहेगा कि इसका कंट्रोल यही है और इसका कंट्रोल। अच्छा चार कंट्रोलर और लगाएंगे जो इनको कंट्रोल करेंगे, ये वाले पोजिशन में, इनको कंट्रोल करेंगे। सर्कल है तो जी वही ठीक है, देखो ये मैंने
एक कंट्रोलर बना तो लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कंट्रोलर बिल्कुल इसी के ऊपर आ गया और यहाँ पे ना ये कंट्रोलर हाइड हो गया। और दूसरी चीज ये कि जो मुझे पिविट पॉइंट है वो यहीं से चाहिए, जिससे कि मैं इसको रोटेट करूँ, ठीक है, इसको इस कंट्रोलर में थोड़ा रोटेट कर, ये बोन को थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा, क्योंकि टेढ़ी जा रही है ना, यहाँ से देखो ये थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इस कंट्रोलर को, जो ये कंट्रोलर लगाया मैंने, ये कंट्रोलर आपका थोड़ा सा है ना यही चाहिए पिविट पॉइंट, मतलब पोजिशन ना थोड़ी बाहर की तरफ, ये करना है छोटा सा काम। मैं क्या करूंगा, अपने नर्व्स में जाऊंगा, नर्व्स करके कर्व के अंदर इसके कंट्रोल वर्टिसेस में जाऊंगा और सबसे पहले तो यहां से इसकी मैं शेप चेंज करूंगा। जैसे कि आपको पता रहे ये कंट्रोलर, ये बन गया आपका, ये वाला करो सी आप कॉपी कर लेना, दूसरी जगह प्लेस कर, पेट पर ना फर्स्ट टाइम यहाँ एक पिविट पॉइंट बना लो सेंटर में, जिससे कि जब ये रोटेट हो ना तो ये यहाँ से रोटेट, इस पॉइंट से रोटेट, थोड़ा सा काम करते हैं जिससे कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, थोड़ी सी बॉल खा लेते हैं, खाने को तो मैं कुछ और प्लास्टर वगैरह भी लगा सकता हूँ, बॉल बना लेते हैं, बॉल भी छोड़ एक सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर का आधा फेस कर लेते हैं, यहाँ पे एक बोन लगा सकते हैं, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किए तो मैं लगा सकता हूँ,
एक्सचेंज करो। इस बार मैंने कंस्ट्रक्ट करके करा है इसको, इसके साथ कंस्ट्रक्ट करा के हैं, तो इससे क्या होगा प्रॉपर उसके म्यूटेशन उसके अकॉर्डिंग देगी, ठीक है। जो मेरा ये शेप बन गया, इसके यहाँ पे जाओगे आपको कंस्ट्रक्ट, मेरा कंस्ट्रक्ट, इस कंस्ट्रक्ट का आप डिलीट मार, पोजिशन वही रहेगी, नर्व वही रहेगा। क्या हुआ तुम लोगों की भी ऐसी हुई है प्रेजेंटेशन? रिकॉर्ड हुई थी होने वाली है, बताएंगे तो दोबारा हुई थी बता देंगे। हाँ जी आवाज नहीं करो है, सस्पेंस ही तो है। नहीं वो सुना मैंने, मान लो मैडम को अभी बताता हूँ क्या कह रहे थे, सुन रहे हैं क्लासेस से आने चार चार पांच कुछ नहीं सर, मैंने बोला कि कुछ क्लासों के बाद सबने अचानक सर लेक्चरिंग कराते कराते सीधे शुरू कर दिया। आप बढ़िया, कल तुम आए थे? आया सर। हाँ तो सब ठीक तो सही, तो सर मैं लेट सर, मैं जब आया तो लेट से बात नहीं हुई ना, बात ये है ठीक है, सब सही है। आप लेते हैं रोबो, ठीक है। मैंने इस बार क्या करा है, पॉइंट कंस्टेंट करा जिससे कि उसकी रोटेशन ना है, सिर्फ उसकी पोजीशन मूव हो, तो पॉइंट कंस्टेंट करके ये इसकी एडजस्ट हो गया प्रॉपर। लेते हैं ग्रुप और ग्रुप को करते हैं कंट्रोल डी, और इसको भी आपको रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा ये ग्रुप नहीं कर गया, क्या हो रहा है यार ये बहुत बड़ी काम है, कौन सा ये
ये नहीं एनिमेशन नहीं बोरिंग है, ये बहुत बोरिंग है। रिजल्ट को एनिमेशन आया, एनिमेशन रिजल्ट आया, साथ के साथ रिजल्ट मिलेगा उसमें। मॉडलिंग में तो रिजल्ट आता भी नहीं है, उसमें साथ के साथ ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी दिखेगा ना एनिमेशन में, ये तो रिगिंग में दिखेगा। हाँ तू कॉपी कर लो कंट्रोल के। ठीक है दोबारा से एक बार कॉपी बनाओ। तो मैं कर रहा हूँ ना, अगर इतना भी नहीं करा ना फिर एनिमेशन नहीं होने वाली। आप ये करो जो मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ ना, इसको रोटेट कर रहा हूँ, उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, जो कंट्रोलर पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ये करना आपको मस्ट है। अभी जब एनिमेशन करोगे ना तो वहां पे भी आपको यही मिलेंगे कर्व्स, इन्हीं कर्व्स को यूज करके आपको जो है ना एक कैरेक्टर को मूव करना पड़ेगा, तो वहां दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, क्योंकि वहां पे आपको ना हर एक पोज बनाना पड़ेगा। अगर लेग चलाना है, हाथ चलाना, तो हाथ को इस तरीके से प्रॉपर शेप बनानी पड़ेगी। जैसे कप पकड़ना है तो कप के लिए मुझे क्या करना, हाथ फोल्ड करना पड़ेगा, फिंगर्स फोल्ड करने पड़ेंगे। ये तो छोटे पार्ट हो गए ना, फिंगर्स को फोल्ड करके बिल्कुल ऐसा शेप बनाओगे तब वो बनेगी। और वहां पे अगर रियलिस्टिक एनिमेशन करनी है तो आपको एक एक छोटे छोटी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक कैरेक्टर होता है वो ब्रीद भी तो करेगा, सांस भी तो लेगा, सांस लेने में बताओ कैसे करोगे। छोटी छोटी सी चीजें, उसकी चेस्ट भी खुलेगी, उसकी गर्दन भी पीछे जाएगी, उसका मुंह भी ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर उसके जो पेट का हिस्सा है वो भी अंदर की तरफ जाएगा। आप कहते हैं ना तो पेट भी तो मुंह होता है, चेस्ट के साथ साथ वो भी करना है, स्पाइन भी आगे पीछे जाएगी, नीचे का पोर्शन पेल्विस भी हल्का सा हिलेगा। तो एक एक पोर्शन पे जाके आपको की लगानी पड़ेगी, अप गया फिर डाउन भी जाएगा उसके साथ में। अगर उसने और कुछ भी मूवमेंट, ये तो नॉर्मल मूवमेंट होगी ब्रीदिंग की, उसके साथ में ब्रीदिंग के साथ में आपको जो है ना कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट भी करनी पड़ेगी। भाग रहा है, दौड़ रहा है, हाथ हिला रहा है, किसी से बात कर रहा है, उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे, ठीक है, एनिमेशन सब काम है, मगर जब उसका रिजल्ट आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सही बताओ आपको लगेगा यार अजीब सा लगेगा, गंदा सा लगेगा, मगर जब उसका रिजल्ट आएगा ना, जब फाइनल एनिमेशन होगी, वो करेक्टर बोलेगा, एक्सप्रेशन से मुंह हिलाएगा, सैड होगा, हंसेगा, जो भी करेगा, तब आपको अच्छा लगेगा। हाँ यार कुछ आउटपुट आया, उसका इफेक्ट अलग होगा, तब खुशी अलग होती है। क्योंकि आप एनिमेशन में किस लिए आए, ये थोड़ी सोचा है कि मैं यार ये टैंक बनाऊंगा या मैं गन बनाऊंगा, ये सोचे कोई नहीं आता। तब ये सोच जाते हैं मैं मूवी बनाऊंगा, मूवी में आपको कह रहा है जो गेम करेक्टर भाग रहा है, मैं ऐसा बनाऊंगा गेम बनाऊ, या वो है कि कार्टून करेक्टर बोल रहा है, टॉम जेरी बोल रहा है, जेरी बोल रहा है, कोई भी है, आप उसको देख के आए होंगे। गारंटी मैं यही कह रहा हूँ तुमने, आप ये नहीं देख के आओगे अरे यार वहां पे ना कुल्हाड़ी भी होती है, हाँ एक्स होती है, हाँ मैं एक्स बनाऊंगा। सबको काम है एक्स बनाओ,
सबने एक्स बनाई होगी, मुझे पता है नाइफ बनाओ, नाइफ बनाया सब ने, है ना, मुझे पता है वही बनवाते हैं सर, तो वो बनाने के लिए आप नहीं आए, अब वो बनाने ही नहीं, आपको जिस चीज को सोचे आए हो ना वो चीज करनी है। देखो कोई भी चीज छोटी या बड़ी तो होती है, पहली तो चीज है ना, अगर कोई चीज आप कर रही हो तो आप, अगर क्लास की बात करूं तो क्लास में तो जो करवाओगे वो तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है सीखने के लिए, ठीक है, मगर आप अपना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम करते हो, वो बड़ी चीज करते हो ना, जब वो बड़ी चीज कंप्लीट हो जाएगी और आप किसी को दिखाओगे, इवन सर को दिखाओगे, मुझे दिखाओगे, किसी भी चीज को भी दिखाओगे, तो तब उनको पता चलेगा ना, हाँ इस बच्चे ने अच्छा काम किया, इस बच्चे ने जो सोचा था वो काम किया, है ना, तो वो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट है। मैंने आपको सिखाया कि एनिमेशन में रिग आर्म की ऐसे कर दिया, इसी को घुमा के आप लेके चले जाओ, जो ह्यूमन वाला ह्यूमनॉइड रोबोट होता है उसका हाथ जो होता है उसकी रिग करो ना, मैं क्या बोला वो बहुत हार्ड है, क्या तुम फोड़ दोगे उससे उस चीज के चक्कर में पड़ो, जो मैं क्या बोला कि वही करना है, ये जो सर कहेंगे वही करना है, उस चीज के चक्कर में पढ़ो ही मत, सीख नहीं पाओगे कुछ भी, वो तो करना ही है, उसके अलावा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो, इवन 3D में नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हो, न्यूज पर करना चाहते हो, आप कटिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते, उसको साइड बाय साइड करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उससे रिलेटेड चीजें देखते रहो, ठीक है, तो अगर अभी से देखोगे ना, जब उस टाइम पे पहुंचोगे ना तब आप उसको इजीली कर पाओगे, ये तो यहीं की जैसे हाल हो जाएगा, पहले सीखेंगे और सीखते सीखते कोर्स खत्म हो जाएगा, पता होगा लास्ट पार्ट है ना, सीखते सीखते कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर डेमो रील की बात आएगी, एक महीना लगेगा, दो महीने लगेंगे, तीन महीने लगेंगे, छह महीने भी लग जाते हैं, कुछ लोगों को साल भर भी लग जाता है, फिर वो खींच जाएगा, फिर आपकी जॉब कब लगेगी, ठीक है, तो अभी से मैं थोड़ी देर बाद आपको एक चीज दिखाऊंगा, मॉडलिंग करते हो ना, तो दिखाऊंगा, डराना नहीं है, डराना नहीं है, वो इंस्पिरेशन है, मैं दिखाऊंगा एक चीज, मैं तो मोबाइल पर देख के क्या पता नहीं आप देंगे नहीं देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये मेरे सारे कंट्रोलर हो गए, इन कंट्रोलर्स को एक बार ना चेक कर लेना ग्रुप वाइज, ये सीधे हैं नहीं है, अदरवाइज इनकी रोटेशन में फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इनकी रोटेशन में प्रॉब्लम आएगी, देख रहे हो ना थोड़ी सी बैलेंस बिगड़ गया था, देखो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इस व्यू में आओ, ये देखो ये बैलेंस बिगड़ा हुआ, इसको आपको थोड़ा सा सही करना है, सारे ऐसे ही करने पड़ेंगे सारे, जितने भी क्या उसको बाद में सही कर देना, मगर सारे ऐसे करना, इसलिए हमेशा जब भी चीजें बनती है ना, चाहे मॉडल बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, वो स्टेट ही बनती है, पी पोज में बनती है, या फिर नीचे वाले हाथ जो होते हैं उसको बनती है, मॉडल भी इसी भी बनती है, क्योंकि ये चेंज है, बना रहा है क्या, अगर आपको प्रॉब्लम हो ना कि यहां से बिल्कुल स्टेट नहीं आ रही है, तो मैंने आपको एम कंस्टेंट बताया ना, तो यहाँ पे इसी के सामने एक छोटी सी बॉल लगा देना, बिल्कुल इसी के सामने, जितने भी कंट्रोलर है ना उन सब उसके साथ एम कर देना, एम करने के बाद जब सीधे हो जाएंगे सबको गिर जाएगा, वो पैसे हो जाएंगे, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये तो बदला पड़ा था, बच्चे रोटेशन करनी है, कैसे बनेगी बात नहीं, खराब हो जाएगा, हो गया ना परफेक्ट,
नहीं देखो नावल कर लो, इस तरीके से आदमी को खोलना है। बस लास्ट स्टेप अच्छा है, इनको कस्टर्ड करना है, ठीक है। फाइन को सेक्शन करो, फाइन कर लेते हैं, ठीक है। वाले ये सारी जितने भी आपके पास ये कंट्रोल है ना स्पाइन वाले, इन सबको आप बोलोगे पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट ये मूव होगा तो ऊपर वाला मूव दो है क्या इसके अंदर, ठीक है। नीचे वाला मूव होगा आपका ऊपर वाला, चाइल्ड पेरेंट पेरेंट, ये मूव होगा तीन मूव, चाइल्ड पेरेंट पेरेंट, ये सारे मूव होंगे। इन कंट्रोलर है ना, चाइल्ड पेरेंट, ठीक है। इन सबको सिलेक्शन करते हैं, चाइल्ड पेरेंट सॉरी चाइल्ड पेरेंट सबके साथ सिलेक्शन करते हैं, चाइल्ड पेरेंट लग रही है। इसको मैं मूव करूंगा सारे मूव, ठीक है। इसको रोटेट करूंगा सारे, सिंगल करूंगा तो ये सिंगल कर दे, ठीक है। तो ये मेरे कंट्रोलर तो पेंटिंग हो गई। दूसरी चीज है कि इन कंट्रोलर्स को मेरे को इनके साथ कंस्टेंट करना पड़ेगा, फिर नहीं कंस्टेंट करना, ध्यान रखना जीरो कुछ भी ना हो इसके अंदर, रोटेशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए सबकी कंट्रोलर्स की। सर मेरे को इसमें एक चीज पूछनी थी, किसमें ये जो आप बना रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर आपने ये सर्कल्स जो लिए हैं कर्व, हाँ ठीक है, इससे हम लोग मतलब जो भी एनिमेशन है वो इससे करेंगे कर्व से? हाँ जी ठीक है। बट आपने बोन भी यूज करी है, हाँ, तो अगर जैसे हमने पिछले अभी लास्ट टू क्लास पहले हमने जो बॉल की एनिमेशन करी थी, हाँ जी, तो उसके अंदर आपने मतलब कोई भी बोन वगैरह यूज नहीं करी थी, खाली कर्व से हमने एनिमेशन कर दी थी उसकी, हाँ जी ठीक है। तो अब जैसे ये हार्ड सरफेस है, ये स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही है, हमने हर ज्वाइंट पे इसके कर्व लगा दिए, तो बोन की रिक्वायरमेंट क्यों है सर? देखिए अभी उसमें था जब बॉल थी, बॉल में सिर्फ एक सिंगल स्फीयर था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी आर्म है, इसके अंदर स्प्रिंग है, इसके अंदर एक ज्योमेट्री नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल ज्योमेट्रीज है, देख रहे हो ये दो शेप्स है, तीन शेप्स है, ठीक है। अब मैं इनको अलग अलग सिलेक्शन करके मैं अपने जो जो मेरे पास स्पाइंस है या नर्व्स कर्व्स है उसके साथ मैं लिंक नहीं कर सकता, तो मैं क्या काम करूंगा इन ज्योमेट्रीज को अपनी बोन के साथ लिंक करूंगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग, वर्ड होता है बाइंडिंग। तो बोन को अपनी जो ये ज्योमेट्री है हार्ड सरफेस जो मल्टीपल ज्योमेट्रीज है उन मल्टीपल ज्योमेट्रीज को एक बोन के साथ बाइंड करूंगा। जैसे जैसे वो आपकी बोन रोटेट होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरी जो स्किन है वो भी आपकी रोटेट होगी, ठीक है। और उन बोन्स को कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि बार बार मुझे बोन्स को भी सिलेक्शन नहीं करना और बार बार मेरे को ज्योमेट्री को भी सिलेक्शन नहीं करना, ज्योमेट्री को सिलेक्शन करना ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपने कंट्रोलर्स जो ये मैंने सर्कल्स लगाए, ठीक है। मैं आपको हल्का सा एक बेसिक सा कुछ करके दिखाऊंगा हल्का सा, जिससे कि पता लग जाए कि एक्चुअली में कैसे काम होता है रिगिंग के अंदर, ठीक है। पहले इसको सेव करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं और एक सिलेंडर ले लेता हूँ मैं और इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स डालूंगा जिससे कि थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए, है ना। हाइट है, हाइट में मैं कुछ सेगमेंट्स डालूंगा समझे ना इतने, और ये सोचो कि ये सब कुछ करके मेरी आर्म है या लेग है ना, ये और शिफ्टी और हिस्ट्री ट्रांसफॉर्म जी बटे। एक मैं बॉल ले लूंगा रिगिंग सॉरी ये
एक बोन बनाते हैं हम यहाँ से, एक्सप्रेस करो, क्लिक 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 ऊपर लगा, इस बोन को उठाते हैं और इसको यहाँ लेते हैं सेंटर। टॉप से लिया तो यहाँ ले लेते हैं सेंटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मेरी एक शेप बन गई और यहाँ पे कुछ बोन्स बना ली। तीन मैं कंट्रोलर लगा लेता हूँ, तीन से तीन कंट्रोलर लगाऊंगा, मतलब सर्कल लगाऊंगा तीन। ट्रांसफॉर्मेशन की जब रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है, सिर्फ रोटेशन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ। हुआ आठ मिनट आते हैं, यहां से मैं तीन कंट्रोलर लगा देता हूँ। कंट्रोल डी, एक यहां लगा लेता हूँ, मैं यहां लगा, फाइट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए इनको। इसके साथ में कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको सेक्शन कर लेता हूँ, इसको सेक्शन कर लेता हूँ, चाइल्ड पेरेंट पेरेंट चाइल्ड पेरेंट, ये आपकी पीसी। नेक्स्ट इसको इसके साथ पेरेंट कर लेना, कंस्ट्रक्ट पेरेंट कंस्ट्रक्ट चल में जाओगे, पेरेंट में जाओगे और रिसेट करोगे, मेन मल्टीन ऑफसेट ऑन रखोगे, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे आ जाओ, इस बोन को सेक्शन करोगे, सेक्शन करो इसको, सेक्शन करो और यहाँ पे देंगे सिर्फ पेरेंट ही डाल दो, कोई पेरेंट पीछे पेरेंट, इसको भी डाल दो यहाँ बोन को सेक्शन करके कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इसको मूव करूंगा पूरी पूरी दिख होगी, इसको करूंगा ज्वाइंट वो होगा, और इसको मूव करूंगा ऊपर वाला जो पोजिशन है वो, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे भी करता हूँ तो ऐसे ही, हाँ जी बोले, ठीक है। अब देखो ये मेरा कंट्रोलर बन गया, रिग बन गई। अब मुझे अपनी आर्म के ऊपर या लेग है, लेग के ऊपर इसको बाइंड करना है, इसको बाइंड कर लेते हैं। तो डिस्प्ले ऑन करते हैं और वाई फ्रेम में जाता हूँ, जिससे कि मुझे बोन्स दिखाई दे, कौन कौन सी बोन्स, ये है ना सारी बोन्स, ठीक है। ये सारी बोन्स है मेरे पास, सारी आपको बोन्स सिलेक्शन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सारी बोल सिलेक्शन करनी, जियोमेट्रिक ऑन करना और इसको यहाँ पे जाके बाइंड कर देना, ठीक है। ये आपका बाइंड हो चुका है, स्किन बाइंड हो गई है। ये वाला बैच खत्म कब होगा? 12 बजे नहीं, मतलब बैच कब खत्म होगा? क्यों सर पूछ रहे हो? अभी तो बहुत समय लगेगा एनिमेशन का, माया का, माया का क्या, इसके बाद क्या रहता तुम्हारा? एनिमेशन रहता है, बस एनिमेशन रहता है माया में, लड़ी में सब खत्म होगी ना। एनिमेशन रहता है दो तीन साढ़े तीन, आज क्या है जनवरी फरवरी मार्च मार्च में साढ़े तीन महीने, साढ़े तीन महीने जो भी है बात कर रहे ना, एक्स्ट्रा टाइम होगा साढ़े तीन महीने लगेंगे कम से कम। फरवरी में तो रिगिंग खत्म होगी, फरवरी में तो रिगिंग खत्म होगी, ठीक है। दो महीने आपका एडमिशन के लिए लगेंगे, कम से कम दो महीने तो लगेंगे, ठीक
ठीक है, और एटलीस्ट कम से कम एक महीना आपको डायलिसिस कर लेना। मैं पूरा माया बता रहा हूँ, जो यहाँ से अब से जो आगे माया बता रहा हूँ मैं उस पर लगे, ठीक है। बाकी मैडम कहेंगे जल्दी कराओ तो मैं जल्दी कराऊंगा, इतना टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, इतना टाइम लगेगा। मैम कहेंगे मैं तमरी मत करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बाइंड कर दिया है, ये मैंने बाइंड कर लिया। अगर मैं, अरे सुन लो, अब मैं अगर अपने कंट्रोलर को रोटेट करूंगा तो मेरी ज्योमेट्री भी रोटेट होगी। ये है फायदा बोन का। ठीक है, अब ये रोटेट भी होगा। ये सर सलाम कर रहा हूँ। हाँ बोलो जी। सर अगर बेसिकली जैसे आपने कंट्रोलर्स लगाए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग ये मतलब कंट्रोलर ना लगा के हम लोग बॉन से भी तो पेरेंट करके इसको नहीं कर सकते। सुनो, जो हेलो आवाज नहीं आए, जो बोन्स होती है वो हमारा कहीं के भी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और बोन्स के ऊपर आपकी जो है ना ज्योमेट्री होती है। अगर मैं बार बार बोन्स सिलेक्शन ही करूंगा तो मैं ज्योमेट्री को कैसे व्यू करूंगा, ज्योमेट्री व्यू नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि ज्योमेट्री के साथ आपकी बोन कनेक्टेड है। अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बोन है, अब मैं बार बार उसको वायर फ्रेम में जाऊंगा, यहाँ पे बोन कनेक्ट करूंगा, आप ध्यान से देखो अंदर की तरफ बोन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट्स है, और 6 ज्वाइंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ 3 कंट्रोलर कंट्रोल कर रहे हैं, प्लस इनके ऊपर ये जस्ट नॉर्मल मैंने अभी सिर्फ रोटेशन लगाया। रोटेशन के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो मुझे एड एट्रीब्यूट से डालने पड़ते हैं। मैंने बताया था ना बोन में एक एड एट्रीब्यूट डाला था मैंने स्ट्रेच का, उसी टाइप से जब हम ह्यूमन की रिगिंग करते हैं या कार्बन रिग करते हैं या मैकेनिकल आर्म की रिग करते हैं तो उसके अंदर हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट डालने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेग बनाता हूँ, ये लेग है, लेग के अंदर मुझे फुट को रोल करना है, बॉल मूवमेंट करनी है, टो टैप करना है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी, वहां से डिस्टर्ब है, आवाज आ रही है अब? देखो अगर जैसे मैं फुट की बात करता हूँ तो फुट के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, लाइक टो टैप करना है, ठीक है, या हील की मूवमेंट करनी है, या फिर मेरे को बॉल की मूवमेंट करनी है, लाइक सेंटर वाला जो पोर्शन होता है बॉल कहते हैं उसे, ठीक है, या मुझे टो से खड़ा होना है या डांस करना है, कुछ भी करना है, तो उसके कंट्रोलर्स के अंदर ही मुझे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि आप बोन्स के अंदर नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तो बार बार आप बोन सिलेक्शन करोगे, फिर उसके कंट्रोलर के अंदर जाओगे, वहां से फिर आप जो है ना उसके कंट्रोलर को एनिमेशन करोगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसके लिए मुझे ना आपको एक छोटी सी रिग दिखानी पड़ेगी एनिमेशन। अगर बोन ना लगाए तो जी, अगर बोन ना लगाएंगे तो जैसे आपने बिना बोन नहीं लगाओगे तो आपकी जो प्रॉपर डेफोर्मेशन है वो कैसे होगी ज्योमेट्री की, ये बताओ पहले मुझे। अगर मैंने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर का लेग बनाया या हैंड बनाया तो उसकी मैं डेफोर्मेशन कैसे करूंगा? नहीं सर, ये तो जैसे ऑर्गेनिक की हो गई, जैसे इनऑर्गेनिक जैसे हार्ट सर्विस है। ऑर्गेनिक में मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में मेरे को कनेक्शन करना है तो मैं कैसे करूंगा? वहां पे मुझे हर एक जितनी भी मैंने ज्योमेट्री बनाई है ना, उन सारी ज्योमेट्री को मुझे या तो कंबाइन करना पड़ेगा, है ना, मल्टीपल कंबाइन करना पड़ेगा। यस सर। और फिर उन कंबाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे पिविट पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे, है ना, रोटेशन तो करोगे ना उसकी, तो सारे उनके अकॉर्डिंग पिविट पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे। आप पिविट पॉइंट चेंज करोगे तो वहां पे एक ज्योमेट्री के आपको मल्टीपल पिविट पॉइंट भी चेंज करने पड़ सकते हैं, कि उसी की मूवमेंट आपकी पीछे से भी हो, उसी की मूवमेंट आपकी आगे से भी हो। जैसे कि वो देखा ना, सीसॉ देखा ना, अब सीसॉ में भी आपके पास ना 3 पिविट पॉइंट बनेंगे, एक सेंटर में बनेगा, एक साइड में पिविट पॉइंट बनेगा, एक सबसे साइड में बनेगा। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सीसॉ के अंदर 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो वही तो रिगिंग है। अब चाहे बोन लगाओ या ना लगाओ, काम तो वही करना पड़ेगा आपको। ओके सर, यानी मतलब जो अगर मतलब हमारी कोई अगर कंबाइन करने वाली अगर ज्योमेट्री है कि जिसको अगर हम लोग सारे जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, तो उसके अंदर फिर हमें बॉन्ड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, हम तो नहीं, नहीं, तो आपको जैसे मन चाहे वैसे करो। अगर मैं आपसे कहूंगी सिंपल मुझे दरवाजा रोटेट करना है, दरवाजा
अब मैं उसके अंदर बोन थोड़ी लगाऊंगा दरवाजा रोटेट करने के लिए, उसमें मैं क्या करूंगा ज्योमेट्री का ये कंट्रोलर बना दूंगा, उसके कॉर्नर पे लगा दूंगा और उसी ज्योमेट्री को उसके साथ लिंक कर दूंगा कंट्रोलर के साथ, ठीक है, तो वो वहां से रोटेट होगा। अगर मुझे पंखा बनाना है तो पंखे में मैं जॉइंट वो थोड़ी लगाऊंगा, जॉइंट थोड़ी लगाऊंगा इसके अंदर पंखे में। कार है, कार में मुझे लगानी पड़ सकती है क्योंकि जो बेस होता है उसका उसमें चार कम से कम चार पांच जॉइंट्स मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि उसमें मल्टीपल मेरे को एनिमेशन चीजें वगैरह करनी पड़ेगी। मगर जब मैं आपको कुछ दिन बाद वो बताऊंगा इसका सस्पेंशन वगैरह का बताऊंगा कार की रिगिंग के अंदर, तो उसमें मैं बोन नहीं लगाऊंगा, उसमें मैं सिर्फ ज्योमेट्री को यूज करके ही काम करूंगा, है ना। तो जहां मुझे लगेगा बोन की रिक्वायरमेंट है वहां बोन लगाओ, जहां आपको लगता है कि ज्योमेट्री से काम करना है वहां ज्योमेट्री से करो, जहां आपको लगता है कि ज्योमेट्री को ग्रुपिंग करके काम करना है वहां ग्रुपिंग करके करो। आपको मल्टीपल काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट थी कि ये आर्म है जस्ट लाइक ह्यूमन आर्म, उसकी तरह मुझे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मेरे को बोन लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जाओ कॉल करो, ठीक है। तो ये मैंने पेंटिंग कर दी, पेंटिंग करने के बाद बस एक लास्ट काम रहता है मेरे पास, जितने भी ये मेरे कंट्रोलर्स है उनको बोन के साथ लिंक करना, ठीक है। तो बोन के साथ लिंक कैसे करोगे, यहाँ पे जो भी आपके पास जॉइंट्स है उन जॉइंट्स को इनके साथ कंस्ट्रक्ट करना, सिलेक्शन करना, कंस्ट्रक्ट करना, पहले आपको कंट्रोलर सिलेक्शन करना, फिर जॉइंट सिलेक्शन करना, कंस्ट्रक्ट में जाना। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रोटेशन चाहिए, तो मैं सिर्फ ओरिएंट कंस्ट्रक्ट डालूंगा, ठीक है। इसका ऑप्शन में जाना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट ओरिएंट एडिट रिसेट, ठीक है, मेक ऑफसेट को ऑन रखो, अप्लाई क्लोज, ठीक है। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये मेरा फोन भी बोन लगानी पड़ेगी, मैंने जॉइंट नहीं करा इसको, ये वाली जो बोन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको इसके साथ जॉइंट कर देता हूँ और इनको इनको थोड़ा सा ठीक से रोटेशन कर लेना, मे भी थोड़ी सी गड़बड़ है इसको, इसके साथ और इसको इसके साथ ये हो गए, और फिर उसके बाद ये कर दिया मैंने, हाँ ये कर दिया, ये रह गया इसको इसके साथ, ये भी ओके ओरिएंटेशन होगी, कंस्ट्रक्ट में जाओ, इसको भी हम ओरिएंट कर देंगे, ये तो मैं इसको ओरिएंट करूँगा, ये भी फिर सेम, इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्शन करो और इसको सिलेक्शन करो, अभी कभी सिलेक्शन नहीं होता तो क्यू दबा के सिलेक्शन मोड में चले जाए, तो कंस्ट्रक्ट में जाऊंगा, इसको भी ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ये आपका ऐसा, क्या करना पड़ेगा बाकी, क्या बच्चा ये बच्चे इनको इसके साथ मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसको ये अगर परफेक्ट है तो प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्ट में जाओ और यहाँ पे भी जाके इसको ओरिएंट कंस्ट्रक्ट, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा ये सबको आप इनको ओरिएंट कंस्ट्रक्ट कर देना, कंस्ट्रक्ट 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 और कंस्ट्रक्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्ट सो फिट करूंगा, फिट होगी सेक्शन करूंगा, तो ये फिट करूंगा और इसको सेक्शन करूंगा, तो ये और इसको रोटेट करूंगा, तो इस बार क्या आपकी इसको पकड़ के मैं उसको मूव करूंगा, बोलिए मगर ये कंट्रोलर मूव नहीं हो रहा, पहले इसको देख लो इसके साथ मैंने करा है क्या, कंस्ट्रक्ट नहीं किया, हाँ देख लेना ग्राउंड ना हो जाए, इसको भी कंस्ट्रक्ट कर दोगे और इनकंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये भी रोटेट होगी, लाइक दिस, ठीक है।
इसके साथ, क्योंकि इसके अंदर मुझे रोटेशन भी चाहिए और मूवमेंट भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, क्योंकि क्या पता मुझे इसको उठा के यहाँ पे भी रखना पड़े, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्शन करूंगा, बोन को सिलेक्शन करूंगा, अल्टरनेट में जाऊंगा, इस बार करूंगा मैं पेरेट, पेरेट में दोनों होती, या अलग अलग भी कर सकते हो कि पॉइंट भी कर दिया और भी कर दिया, स्केल भी कर दिया, तो मगर तीन ऑप्शन मेरे को यहाँ मिल जाएंगे, तो मैं करूंगा सिलेक्शन करो, देखो ये आपकी मैकेनिकल आर्म के लिए, ठीक है। ज्यादा इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं कि मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट डालूंगा, अगर डालने हैं आपको स्पेसिफिक डालने हैं तो डाल सकते हो, वैसे आप इसी को कंट्रोल करके कर सकते, ठीक है। बाकी इसको हम बाइंड कर देंगे, या उनको हम इसके साथ बाइंड कर देंगे, तो जैसे जैसे बोल लेंगे वैसे वैसे आपके आर्म नहीं मिलेंगे, बाइंडिंग आप बताइए, जब बाइंडिंग का सेक्शन आ गया पहले देखेंगे कर सकते, भैया कोई डाउट हो तो कुछ पूछ लो, फिर काम देखेंगे सबका, क्या क्या काम करा लोगों ने 10 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको टायर एनिमेशन, ठीक है, टायर की एनिमेशन कैसे करोगे आप, मतलब रिक कैसे करोगे, रिक विद एनिमेशन, टायर की भाई गाड़ी चलेगी तो मेरा टायर घूमना चाहिए, व्हीकल एनिमेशन में आएगा सारा। उसके बाद टायर के साथ में अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा कि जैसे इसके अंदर है ना ये स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाला नहीं है, मतलब हिलेगा नहीं, सस्पेंशन वो होता है ना आपके पास हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक अंदर जाता है और फिर मूव होता है बाहर निकलता है, फिर उसके बाद स्प्रिंग की लगी होती है, स्प्रिंग की भी स्ट्रेच एंड स्ट्रेच होता है, वो भी मैं बताऊंगा, तो मैं आपको देखता हूँ क्या बता सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो टायर विद सस्पेंशन कर सकते हैं, ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। इंस्पायरेशन ही करूँ।